जी से कि वो इस टिकट का सिरे उनका धन्यवाद किसको जाता है? तो साहब ये जो आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आप किस किस को धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी का, और जिनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, पिछले 5 साल में हमारे यशस्वी और जो छत्तीस बिरादरी को और पूरे हरियाणा को विकास को लेकर चले हैं, परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष बराड़ा जी का, और हमारी राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ हमारे जिला कार्यकारिणी श्री सुरेंद्र प्रताप आर्य जी की अध्यक्षता में सबका मुझे आशीर्वाद मिला, सबका स्नेह मिला, और इसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये यकीन जताया, भरोसा दिया और मुझे आशीर्वाद दिया कि उन्होंने विधानसभा से इस लायक समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी पर यहाँ से लड़ूँ और पार्टी की और अपने क्षेत्र की और प्रदेश की सेवा कर सकूँ। और इसके लिए पूरे मेवात की छत्तीस बिरादरी नहीं, पूरे देश के सभी लोगों का कि जिनकी दुआएं इसमें साथ रही और जिनका साथ मुझे मिला हमेशा से, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये जो टिकट है, जो ये उम्मीदवारी है, ये मुझे नहीं, ये पूरी मेवात की छत्तीस बिरादरी के प्यार को, मेवात के विकास को, और सभी लोगों ने जिस इसमें दुआएँ की, ये सब उनको मिला है, तो इसकी मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ। मैनिफेस्टो है, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? जो आज तक किसी ने नहीं किया और जो सबसे बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी ने की, और वो जो बात पूरी पार्टी की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ रखी, पूरी देश को एक नया एक एजेंडा दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो आप ये देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने नारा ही नहीं दिया बल्कि उसको जीतने का काम किया, और आज उसी नारे को चरितार्थ करते हुए, उसी नारे को एक सच्चाई बदलते हुए, पिछले 5 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस तरह काम किया कि जहां एक भी एमएलए नहीं था जिला नूह में, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए यहां पर दिए, जो काले कानून तक जो थे, जैसे कि अंग्रेजों के राज में काले कानून बनते थे, पिछली कांग्रेस सरकार में यहां का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए वो काला कानून बना कि 8वीं की परीक्षा जो पास करेगा वो ड्राइविंग लाइसेंस हैवी का बनवा सकता है। इससे बड़ा कुठाराघात, हमारे 35-40 हज़ार ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल हुए और आगे लाइसेंस बनने बंद हुए। 15-20 लाख लोगों के, लोग जो रोजी रोटी से उनसे जुड़े हुए हैं, उनके घरों में फाके तक पड़ने की नौबत आ गई। उस काले कानून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करके, माननीय नितिन गडकरी जी से आग्रह करके, केंद्र सरकार से उस काले कानून को पार्लियामेंट में पास करवा के खत्म करवाया। इससे बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेवात को इससे बड़ी नहीं दे सकती। आपके सामने है मेवात फीडर कैनाल, एक सपना सुनते थे। मेवात फीडर कैनाल का मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और अब उसका काम जल्दी शुरू हो रहा है, आजकल चल रहा है। मेवात में बरसों से ये लॉलीपॉप दिया गया कि मेवात में रेल निकलेगी, यहाँ कांग्रेस के राज में रेल की झांकी एक बनाकर पेश करी गई, वो एक मेवात का मजाक उड़ाया गया, रेल कहीं नहीं निकली, रेल कहीं पास नहीं हुई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात को दो दो रेलों की सीटी का सौगात दी है, एक सोनीपत से रोजका मेव होकर और रेवासड़ के बीच में से जो पलवल जाएगी वो मेवात के बीच में से जाएगी, और मेवात में उसका रेल की सीटी, यात्री रेल यहाँ पर आएगी। इसी तरह कांग्रेस ने ये कहा, हमारे जो पूर्व मंत्री थे उनके राज में जो सरकार थी, उन्होंने कहा हमारे पास चवन्नी भी देने को नहीं है रेल लाइन निकलने के लिए, और रेल लाइन कोई निकलने की बात नहीं हुई। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि आधा पैसा हरियाणा सरकार देगी और मेवात में नहूं होकर रेल लाइन अलवर जाएगी। बिल्कुल जाएगी। इस तरह के एक नहीं हजारों बात हैं और आने वाले वक्त में आपके सामने है कि जब एक भी थैला नहर महकमे में कोटला झील का नहीं था, अब रिकॉर्ड की चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 2014 में एमएलए बनते ही जनवरी 2015 में जब सेक्शन 6 और 9 खत्म होने वाला था 1,14,00,000 रुपए दिए, 114 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। आप जानते हैं ऐसी बातें अगर उनकी मैं गिनवाने लगूं तो रात से सुबह हो जाएगी और सुबह से रात हो जाएगी। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सबका हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मेवात में कमल खिलेगा और मेवात का विकास होगा।